चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बता रही थी ना मैं कि अगर हमने इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है, सिंपल। नहीं तो क्या मानते हैं उसको फिर, वो पूरा इस लेक्चर में आपको समझेगा। तो ना ब्रॉडली अगर हम बात करें तो देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बेस्ड होता है फॉर्मेशन पे, फॉर्मेशन बोलो या क्रिएशन बोलो कि भाई कैसे बना, उसके बेसिस पे एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा है उसकी वैलिडिटी या एनफोर्सिबिलिटी को लेके कि वैलिड है या एनफोर्सिएबल है या नहीं है। और तीसरा परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिवाइड किया। तो देर आर ब्रॉडली थ्री कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि तीन कैटेगरीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, दूसरा बेस्ड ऑन वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, और तीसरा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब बेस्ड ऑन फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो कैसे बना वो कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने लिखा होगा कुछ चीज राइटिंग में होगी या आपने ओरली बोल के किया होगा कॉन्ट्रैक्ट बराबर की नहीं। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आपका आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया रहेगा या नॉट कंप्लीटेड होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ये तो ऐसे छोटे छोटे चीजें, सबसे बड़ा जो टाइप ऑफ कैटेगरी है वो है वैलिडिटी के ऊपर। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या कोई दूसरा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें आपको आगे पढ़नी है। तो मेरा स्टार्ट ही इधर से होता है कि बेस्ड ऑन वैलिडिटी, ये समझ जाता है ना लोगों को, तो ये और ये समझना इजी हो जाता है। सो वी विल स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी। वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी कि भाई जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसमें ना सबसे पहले टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताओ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपके दिमाग में सुनने के बाद क्या समझ में आता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे जिसमें एक वैलिड अग्रीमेंट होगा और जो एनफोर्सिएबल होगा बराबर के नहीं, और जिसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कवर होते रहेंगे। ये सब अभी तो हमने पढ़ा था थोड़े टाइम पहले। सो देखो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या है, बाइंडिंग है एंड एनफोर्सिएबल है। बाइंडिंग मतलब दोनों ही पार्टी का ऑब्लिगेशन है अपने अपने काम को फुलफिल करना, ड्यूटी क्रिएट कर रहा है। बाइंड है वो लोग इससे कि भाई जो भी ड्यूटी हमने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज किए वो हमको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, और नहीं किया तो भाई सामने वाले पर्सन क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और हमारे अगेंस्ट केस कर देंगे क्योंकि हम अपने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एप्लीकेबल है और एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके साथ ही साथ जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ एग्रीमेंट किया है, विल यू बाय माय मर्सिडीज, मिस्टर वाई ने बोला है यस आई विल बाय योर मर्सिडीज फॉर 50 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे बाकी के सारे जो इसेंशियल एलिमेंट्स है वो इंक्लूडेड है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। क्लियर? हाँ ना, हाँ ज्यादा कुछ तो है नहीं, एकदम सिंपल सा है कि यही एक मर्सिडीज है मेरे पास जो मैं बेचने के लिए बात कर रही हूँ मिस्टर वाई से 50 लाख रुपीज में, मिस्टर वाई इज अग्रीइंग टू बाय इट, देन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कल को अगर मिस्टर एक्स ने मर्सिडीज नहीं दिया मिस्टर वाई को तो मिस्टर वाई कैन सू मिस्टर एक्स, यस। और अगर मिस्टर वाई ने मर्सिडीज लेके पैसे नहीं दिए मिस्टर एक्स को तो मिस्टर एक्स कैन सू मिस्टर वाई, सिंपल। सॉरी, अब नेक्स्ट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम। वॉइड मतलब होता है गलत, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये आपको पता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब गलत कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट गलत कैसे हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, सीजेस मतलब स्टॉप लिख लो यहाँ पे, जो अब एनफोर्स नहीं होगा, जो स्टॉप हो चुका है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब वॉइड होगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट सीज्ड हो जाता है एनफोर्सिएबल होने से, तब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आई अंडरस्टैंड आपको नहीं समझा होगा कुछ भी। अब ये वॉइड कब होता है, दो सिचुएशन या ऐसे ज्यादा हो सकती है, चेंज इन लॉ हो सकता है या सर्कमस्टांसेस या इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, कुछ बोलना आप लोगों को,
सॉरी, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हुए यहां पे। पहले दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सिंपल सिंपल। ये देखो, ये आरोही है और ये मिस्टर फेमस पेंटर है। ये आरोही है, ये मिस्टर फेमस पेंटर है। आपको जब मैं कोई एग्जाम्पल बताऊंगी इसके आगे से, ये कंसिडर करना है कि बाकी के जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे प्रेजेंट है। ये अजम्पशन लेके आपको चलते रहना है। तो मिस्टर सॉरी मिस आरोही मेजर है, मिस्टर फेमस पेंटर भी कौन है, मेजर है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आरोही और मिस्टर फेमस पेंटर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पे ये जो पेंटर है ना, मिस्टर फेमस पेंटर, ये आरोही का एक पोर्ट्रेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आरोही का एक पोर्ट्रेट बनाएंगे, ऐसा वाला। ये इनके बीच में क्या हुआ था? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने एंटर कभी किया था? तो मानो 1 दिसंबर 2023 को इन्होंने क्या किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, जहां पे आरोही मिस्टर फेमस पेंटर के पास जाती है और बोलती है कि सर क्या आप मेरा पोर्ट्रेट बनाएंगे। सॉरी। एंड मिस्टर फेमस पेंटर क्या करते हैं, उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं यस, मैं आपका फेमस पोर्ट्रेट, मैं आपका एक पोर्ट्रेट बनाऊंगा, फेमस तो मैं खुद हूं। ऐसा इन दोनों के बीच में क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अच्छा, अब क्योंकि पेंटर है, ऑलरेडी इनके बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुआ करते, तो उन्होंने बोला कि 12 दिसंबर को आप आ जाना, ये अपॉइंटेड डेट है आपका, डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे 12 दिसंबर को आप आइए यहां पर, ये अपॉइंटेड डेट है, अपॉइंटेड टाइम है, इस टाइम पे आना, इस डेट पे आना, मैं आपका पोर्ट्रेट बना दूंगा, मेरा स्लॉट एम्प्टी है यहां पर, ये समझा आप लोगों को। 1 तारीख को सॉरी 1 तारीख को ये लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, जो कॉन्ट्रैक्ट 12 तारीख को क्या करेंगे लोग, परफॉर्म करेंगे। 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि 12 तारीख को मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊंगा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। और 10 दिसंबर को ही मिस्टर फेमस पेंटर की डेथ हो गई। डेथ हो गई बेचारी। अब मुझे बताओ, क्या मिस्टर फेमस के बदले में कोई और आरोही का पेमेंट बना सकता है, पेंट बना सकता है? नहीं, नहीं, नहीं बना सकता। मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड है? नहीं। लेकिन क्या 1 तारीख को जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था वैलिड था? यस। तो देखो, एक जमाने में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं थी। आरोही जाती है, बोलती आप मेरा पेंटिंग बनाइए, मैं आपको पेमेंट करूंगी, और अंकल अग्री कर लेते ठीक है इस दिन पे आइए, मैं आपका पेंटिंग बना दूंगा और आपसे पेमेंट ले लूंगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? yes. मतलब एक जमाने में ये वैलिड था। yes. लेकिन कुछ तो चेंज ऐसा हुआ कि अभी क्या हो चुका है, वॉइड हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी ये इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने के लिए। वाई इम्पॉसिबल? अब मिस्टर पेंटर जो है, मिस्टर पेंटर जो है, अब ये जो पेंटिंग कर सकते हैं, ये पेंटिंग इसके बिहाफ में तो और कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता है। हम गुड्स तो खरीद बेच रहे नहीं है कि आप मर गए तो आपके बदले में आपके कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बेच देंगे या खरीद लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये पर्सनल स्किल वाला आर्ट है कि नहीं है? पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है इस कॉन्ट्रैक्ट में, पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट, बराबर कि नहीं? तो ये मिस्टर फेमस पेंटर के अलावा और कोई परफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं। याद करो, जब 1 दिसंबर को आरोही गई थी मिस्टर फेमस पेंटर के पास, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था क्या? यस। yes. लेकिन बीच में कुछ तो परफॉर्मेंस के पहले ऐसा कोई इवेंट आ गया जो अनअवॉइडेबल है। अभी किसी की भी डेथ हो जाएगी या तो अनअवॉइडेबल ही है। अच्छा, डेथ तो एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन बता दिया मैंने, हाथ टूट गए तो उनके एक्सीडेंट में, कोमा में चले गए तो, बेड रेस्ट हो गया उनका लाइफ टाइम के लिए, तो क्या ही कर लोगे आप लोग? कुछ नहीं कर सकते हो। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है क्या, मेरा क्वेश्चन? परफॉर्मेबल है? नहीं, इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि पर्सन क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। तो इस सिचुएशन में अभी जो कॉन्ट्रैक्ट, जो 1 तारीख को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वो क्या हो चुका है, वॉइड हो चुका है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समझ में आ गया? कादंबरी, ऑल क्लियर? तो जब आरोही 1 तारीख को एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर फेमस पेंटर के साथ, ये कि आप मेरी पोर्ट्रेट बना दो, फेमस पेंटर बोलते हैं 12 तारीख को मैं आपकी पोर्ट्रेट बना दूंगा, लेकिन 12 तारीख के पहले ही मिस्टर पेंटर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जब इनकी डेथ हो चुकी है, तो अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके बिहाफ पे परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो एक जमाने में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, आज क्या बन चुका है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? दूसरा एग्जाम्पल,
ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। ये देखो मिस्टर एक्स कहाँ के हैं? गुजरात के। मिस्टर वाई कहाँ के हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हैं। मुझे बताओ महाराष्ट्र में लिकर बैन है क्या? नहीं है। महाराष्ट्र में लिकर बैन नहीं, तभी तुमको रोड पे बहुत सारे अंकल लोग मिल जाते हैं, सोए हुए खोए हुए मिल जाते हैं। लेकिन ना गुजरात में ना आज की तारीख में हमको इतना पता है लिकर बैन है, बराबर की नहीं। चलो अब हम एक जमाने की बात करते हैं। कब की बात करते हैं? एक जमाने की। एक जमाना ऐसा है, मुझे तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि कब बैन हुआ था गुजरात में लिकर, लेकिन मैं एक अजम्पशन लेके चलती हूँ 2018 में शायद से बैन किया रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है, ये तो एक फिक्शन है, आप इसको रियलिटी से जरा भी जोड़ना मत। तो मिस्टर एक्स ने 1 दिसंबर 2018 को मिस्टर वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, मिस्टर वाई इनको महाराष्ट्र से गुजरात में लिकर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, लिकर का बात चल रहा है लिकर, और मिस्टर वाई उसके मिस्टर एक्स उसके बदले में क्या देंगे, मिस्टर वाई को पैसे देंगे, जो भी चार्जेस होगा वो पे कर देंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। मिस्टर एक्स क्या सप्लाई करेंगे, लिकर सप्लाई करेंगे, और मिस्टर वाई क्या करेंगे, इनको पेमेंट करेंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट, इनका जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इस दिन पे लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। यहाँ तो समझ में आ रहा है? यस। अब ना इन्होंने बोला हमको इमीडिएटली लिकर नहीं चाहिए, किसने बोला, मिस्टर एक्स ने बोला कि मेरे को इमीडिएटली लिकर नहीं चाहिए, आप है ना मुझे लिकर कब ला के दोगे, 20th दिसंबर 2018 को। बताओ ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने, 31st को क्रिसमस की पार्टी करनी है ना, तो उसमें लिकर लगता है ना। हाँ, तो इसलिए मिस्टर एक्स ने क्या बोला गुजरात के, उन्होंने बोला कि आप है ना मुझे 20 तारीख को लिकर सप्लाई कर दो, ठीक है, एक तारीख को हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे कि आप 20 तारीख को क्या करोगे, मुझे लिकर सप्लाई करोगे। ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ। अब 20 तारीख को लिकर सप्लाई, इन्होंने भी अपने सपने सजा के रखे थे, लिकर बेचूंगा क्रिसमस पार्टी पे, बहुत सारा लिकर बिकता है, 31st पे न्यू ईयर पे लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, तो बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा। तो ये बिजनेस माइंडेड पर्सन, गुजराती बिजनेस माइंडेड पर्सन ही होते हैं, तो इनका ऐसा माइंडसेट था पूरा का पूरा। लेकिन इनको क्या पता था कि इनके सपनों पे नजर लग जाएगी, और 18 दिसंबर 2018 को गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक अनाउंसमेंट की बहुत बड़ी, और उन्होंने बोला आज से हमारे गुजरात में लिकर कोई नहीं पिएगा। उन्होंने क्या कर दिया, लिकर बैन कर दिया। अब मुझे बताओ इनके सपनों पे तो पानी फिर गया पूरा, बिजनेस करने का इनका पीने का कोई सपना नहीं था, ये बिजनेस माइंडेड पर्सन होते, इनका बिजनेस का सपना था, लेकिन पूरे बिजनेस पे पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे थे वो प्रोडक्ट ही क्या हो चुका है, बैन हो चुका है, मतलब इलीगल हो चुका है, मैं इसको इसमें डील नहीं कर सकता। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जब हमने 1st ऑफ दिसंबर को मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? आंसर इज यस। लेकिन मुझे बताओ परफॉर्मेंस कब करने वाले थे इस कॉन्ट्रैक्ट का ये लोग? 20 दिसंबर। और 18 तारीख को ही गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन ला दिया। आप मुझे बताओ 20 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है क्या? नहीं। क्यों हुआ ये चेंज इन लॉ? समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हमारा जो लॉ था चेंज इन लॉ हो चुका है। जल्दी बैठो, अब लॉ चेंज हो चुका है हमारा। आप मुझे बताओ लॉ चेंज हो चुका है तो क्या मिस्टर एक्स कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। लॉ चेंज हो चुका है ना, क्या मिस्टर एक्स कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। मिस्टर वाई कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, नहीं कुछ नहीं कर सकते। अब ये इनका कॉन्ट्रैक्ट जो 1 दिसंबर 2018 को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वो 18 दिसंबर को क्या हो चुका है? आप बताओ परफॉर्म करेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट? नहीं परफॉर्म करेगा। तो इस टाइप के हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? Void contract. So this contract is valid, but government banned the liquor in Gujarat. So now it is a void contract. ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये दो example clear है, तीसरा example सुनो जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बताऊंगी जरूर। Example number 3. ये ना मेरा एक factory है जिसमें मैं क्या करती हूँ, मैं sugar produce करती हूँ। क्या करती हूँ? शुगर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब मैं शुगर प्रोड्यूस करती हूँ तो मुझे क्या लगेगा रॉ मटेरियल के फॉर्म में?
शुगर केन लगेगा ना, बरम शुगर प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगता है, शुगर केन लगता है। तो ना यहाँ पे ना अभी टाटा सॉल्ट में ही है, मानो टाटा शुगर भी आ रहा है, टाटा शुगर आ रहा है, शुगर ठीक है, टाटा शुगर आने वाला है, तो टाटा के कोई रिप्रेजेंटेटिव आते जिनका नाम है मिस्टर ए, मिस्टर ए आते मेरे पास, मुझे बोलते हैं कि आपकी फैक्ट्री में कितना शुगर प्रोड्यूस होगा इस साल में। मैंने बोला 50 टन्स, बहुत छोटी फैक्ट्री है मेरी, तो मैंने बोला बस कितना टन शुगर प्रोड्यूस होगा मेरे फैक्ट्री में, 50 टन शुगर प्रोड्यूस होगा। तो मिस्टर ए ने मुझे बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये आप हो ये मैं हूं, मतलब यू, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जहां पे मैं मेरी फैक्ट्री में जितना भी शुगर प्रोड्यूस होगा दैट इज 50 टन जो भी शुगर प्रोड्यूस होगा वो मैं क्या करूंगी, मिस्टर ए को बेचूंगी। मिस्टर ए उसको फर्दर प्रोसेस करके क्या करने वाले, पैकेजिंग करने वाले हैं और टाटा ब्रांड के अंडर में सोल्ड करने वाले। मुझे कोई दिक्कत आएगी इससे? नहीं। क्या मेरे और मिस्टर ए के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड है? यस। उन्होंने ऑफर दिया खरीदने का, मैंने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया बेचने के लिए शुगर को, बराबर की नहीं? अब पैसे टाटा ब्रांड में जाएगा तो डेफिनेटली मुझे पैसे भी तो अच्छे मिलने वाले, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने बोला ये सर चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे सारे शुगर लेके चले जाइए। हमारे बीच में अग्रीमेंट हो चुका। अब अग्रीमेंट हो चुका तो उस टाइम पे मेरे फैक्ट्री में शुगर बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो प्रोसेस में था ना। हाँ, तो मैंने उनको बोल के भी रखा था इट विल टेक 1 मंथ का टाइम, 1 मंथ में क्या हो जाएगा, 50 टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस हो जाएंगे, मैं सारे के सारे शुगर आपको बेच दूंगी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इलीगल है? नहीं। लीगल है ना, लॉफुल है ना, मेरा कंसिडरेशन भी है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, ऑब्जेक्ट भी मेरा सही सही है, बिजनेस करने का ऑब्जेक्ट है, कोई गलत ऑब्जेक्ट नहीं है। मुझको क्या पता था, नजर लग जाती है मेरी फैक्ट्री को, जितने लोगों को मैंने बताया मैं टाटा के साथ बिजनेस करने वाली, उतने लोगों ने आके मेरी फैक्ट्री को नजर लगा दिया और मेरी फैक्ट्री अगले 10 दिन में, नेक्स्ट 10 डेज में क्या हो चुकी है, बर्निंग फैक्ट्री बन चुकी है। बर्निंग फैक्ट्री समझता तुमको? बर्निंग ट्रेन करके एक मूवी थी हेमा मालिनी की शायद से, बर्निंग फैक्ट्री मतलब उसमें क्या लग चुका है, आग लग चुका है भगवान, 10 दिन में आग लग चुका है। मुझे बताओ मेरी फैक्ट्री के जितने भी शुगर प्रोड्यूस हुए रहेंगे सारे के सारे क्या हो गए रहेंगे, प्रोड्यूस डिस्ट्रॉय, आग लग गई ना, प्रोड्यूस नहीं होता है, आग लग गई तो क्या हो चुका है, अभी वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। आज जितने शुगर केन भी रहेंगे, जितने प्रोसेस में भी रहेंगे, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब मेरे को बताओ मेरी पूरी फैक्ट्री जल चुकी है, मैं क्या मुंह दिखाऊं इनको, अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अभी वॉइड हो गया। तो समझा आप लोगों को यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने और मिस्टर ए ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया था शुगर बाय एंड शुगर सेल करने का, और हमारा डेट ऑफ परफॉर्मेंस भी फ्यूचर का ही था कि भाई हम आपको 1 महीने में मैं आपको पूरा का पूरा 50 टन ऑफ शुगर में दे दूंगी प्रोड्यूस करके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर मेरी फैक्ट्री में आग लगने वाली है। पता होता तो शायद मैं पानी का जुगाड़ पहले से करके रखती, फायर ब्रिगेड को बुला के रखती थी, लेकिन नहीं पता था। इसके लिए क्या हो चुका है ना, मेरी फैक्ट्री में जितने भी, पूरी फैक्ट्री ही जल गई, तो रॉ मटेरियल WIP फिनिश प्रोडक्ट सब जल चुका है, उसके अंदर जल के खाक हो चुका है। अब मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है उनको बेचने के लिए, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है यहाँ पे, वॉइड हो चुका है। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरी फैक्ट्री में ही आग लगी, पूरी फैक्ट्री के जल गई है, मैं उनको 1 टन भी शुगर नहीं दे सकती हूँ। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो इनके साथ एक जमाने में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो क्या हो चुका है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ये तो समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है आपको, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा वॉइड। बताओ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एग्रीमेंट बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर, मतलब उन्होंने जो भी अग्रीमेंट किया उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। दूसरा एनफोर्सिएबल होता है, अग्रीमेंट बाइंडिंग और एनफोर्सिएबल होता है, और सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कुछ तो सर्कमस्टांसेस में चेंज ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये क्या हो चुका, अभी वैलिड नहीं रह सकता। तो चेंज इन लॉ हो सकता है या चेंज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो गया, आपका चेंज हो चुका है जिसकी वजह से आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपका, वॉइड हो गया। समझ में आया? अब मिस्टर ए आके मेरे को फोर्स नहीं कर सकते, तुमने बोला था 1 महीने में दूंगा शुगर, दे दो, नहीं दे पाऊंगी, मेरी फैक्ट्री पूरी की पूरी जल चुकी है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस। नेक्स्ट थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसको ना आपको ब्रेक करके पढ़ना होता है इसकी मीनिंग। ये देखो, ये एक वॉइड है प्लस
एबल है और प्लस क्या है कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को, वॉइड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, वॉइड इज गलत और रॉन्ग। एबल मतलब एबिलिटी, तो किसी एक पर्सन के पास एबिलिटी है, एबिलिटी बोलो या राइट बोलो, किसके लिए एबिलिटी है, कौन सा राइट मिलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का राइट है। मतलब किसी इस ये एक ऐसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पर्सन के पास इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का राइट है, उसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड नहीं है, वैलिड नहीं है, इट इज इन बिटवीन। ये ना इधर वॉइड है आपका, इधर वैलिड है, इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कैसे ये वॉइडेबल, आप समझते इसको, देखो एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल, अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द अदर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को पता है आपको कुछ नहीं मुझे पता है, नहीं समझता इसमें कि भाई क्या लिखा है लोगों ने, देखो लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट होती है, नहीं सॉरी लैंग्वेज बहुत ही इजी होती है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की, लेकिन हमारी कैपेसिटी कम होती है उसको समझने की, इसके लिए हमारे लिए बहुत सारे क्या होते हैं एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर से पढ़ते हैं, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल, एक ऐसा अग्रीमेंट है जो एनफोर्स होगा, एनफोर्स होगा मतलब वैलिड होगा, सो एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, किसी एक या एक से ज्यादा पार्टी के ऑप्शन पे जब यह अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होगा, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, किसी और के ऑप्शन पे यह अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं हमको नहीं पता, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे। हाँ अभी ये है मिस्टर डी, समझ जाओ कौन है, और ये है मिस्टर पी, ठीक है डी और पी है। अब मिस्टर डी दाऊद दिख रहा है आपको, हाथ में उनके क्या है बंदूक है। अब दिख रहा है सामने मिस्टर पी परेशान है, कोई बंदूक लेके आया है। अब देखो मिस्टर पी के पास ना ये इतनी बड़ी पैसों की पेटी है, सूटकेस है, पैसों की सूटकेस है। अब दाऊद ने देख लिया ये, अब दाऊद क्या कर रहा है, इसको देखो बेचारे को रोने से आंसू निकल रहे इसके इधर उधर से। दाऊद क्या कर रहा है बताओ मुझे आप लोग, इसमें धमकी दे रहा है, किसको दे रहा है धमकी, मिस्टर पी को, मिस्टर पी परेशान को क्या कर रहा है ये धमकी दे रहा है कि तुम अपने सारे ये पेटी मेरे को दे दो वरना तुमको मैं गोली से उड़ा दूंगा। अब ये पैसे कहां से लाया इसने, लाया बिजनेस करके लेकर आया, हम क्यों जाए उसके मैटर में कि कहां से पैसे लेकर आया, हम अज्यूम करेंगे बिजनेस करके पैसे लेकर आया है। जो मिस्टर दाऊद ने देख लिया मिस्टर दाऊद के पास पैसे नहीं, तो दाऊद ने क्या किया मिस्टर परेशान को धमकी देना चालू किया कि पैसे दे दे वरना तेरे को मैं गोली से उड़ा दूंगा, पैसे दे दे वरना गोली से उड़ा दूंगा, जो तू ऐसा है ना ऐसा हो जाएगा। अब बताओ मिस्टर पी क्या करेगा, पैसे दे देगा, मतलब जान प्यारे कि पैसे प्यारे, जान प्यारे। तो मिस्टर पी ने क्या किया ये पैसे दे दिए मिस्टर डी को। अब मिस्टर डी क्या करेगा पैसे लेके फरार, भागा भागा भागा। अब बताओ क्या यहाँ पे, देखो हमारे एसेंशियल एलिमेंट में एक पॉइंट बहुत ही क्लियर लिखा था फ्री कंसेंट, मुझे बताओ क्या यहाँ पे कंसेंट है, कंसेंट है कि नहीं है, ये उसी पेटी की बात चल रही है, एक ही पेटी है मिस्टर डी जिसकी बात कर रहा है और मिस्टर पी जिसकी बात कर रहा है, बराबर कि नहीं, सेम पेटी है, कंसेंसस एडिडम है, लेकिन मुझे बताओ फ्री है क्या कंसेंट, नहीं है। कैसे मालूम पड़ा कंसेंट फ्री नहीं है, धमकी दी है, धमकी को हम बोलते हैं कोवर्जन, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे मिस्टर पी के साथ क्या हुआ है कोवर्जन हुआ है। अब मिस्टर पी ने फ्री कंसेंट नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या, नहीं। मिस्टर पी ने फ्री कंसेंट नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या, नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हाँ क्या है, वॉइडेबल है। कैसे मालूम पड़ा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, क्योंकि मिस्टर पी के पास पावर है, मिस्टर पी के पास क्या है पावर है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का, क्या करने क्या करने का, वॉइड करने का, मिस्टर पी के पास पावर है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का। कैसे वॉइड करेगा, तो ये जाएगा कहां पर, कोर्ट में,
बोलेगा मेरे साथ जबरदस्ती करी गई है, मेरे से मेरे पैसों की पेटी लेकर चले गए हैं लोग, मुझे मेरे पैसों की पेटी रिटर्न चाहिए। ये मिस्टर पी जाके अगर कोर्ट में केस करते हैं मिस्टर डी के अगेंस्ट में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। समझ में आ रहा है मुझे? होता क्या मिस्टर डी मिस्टर पी के अगेंस्ट में केस कर सकता है? नहीं। ये कि अरे मेरे को पैसे नहीं दे रहा पेटी के, नहीं नहीं, नहीं कर सकता ना, रिवर्स नहीं हो सकता है। इसमें अग्रीव्ड पार्टी कौन है? अग्रीव्ड पार्टी मतलब दुखी आ रही आत्मा, मतलब किसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है? मिस्टर पी के पास, सॉरी मिस्टर पी के साथ। तो मिस्टर पी के पास पावर है, राइट है इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने का? वॉइड करने का। तो इसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कोर्ट में जाके इसने केस फाइल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड, नलिफाई हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, अगर मिस्टर पी दाऊद से बहुत डरता है, उसको लगता है मैं अगर जाके केस करूंगा तो दाऊद मेरे घर वालों को मुझको मार डालेगा, तो वो कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बोलेगा जाने दो, पैसे मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जिंदगी प्यारी है, मेरे घर वाले प्यारे हैं, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे कुछ नहीं करना है। बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ क्या? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? वैलिड। मतलब इस अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन है इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो वैलिड करने का या तो वॉइड करने का। अगर इसने एक्शन लिया, कोर्ट में जाके केस फाइल किया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। समझ में आ गया? इसी को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड, थैंक्स थैंक्स। चलो आगे बढ़े जिंदगी में। अब बात करते हैं किसकी? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जिसको लॉ सपोर्ट करता है? नहीं, जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता, मतलब फॉरबिड करता है। बराबर की नहीं, लॉ बोलता है नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का, फिर भी तुम वो काम करते हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? देखो क्या लिखा, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। लॉ बोलता है नहीं बनाने का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करने का, लेकिन फिर भी आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो इसको हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? आगे, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। ना तो कोर्ट इस वाले आपके इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करेगी, ना ही इससे कोई कनेक्टेड अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको सपोर्ट करेगी। क्या होता है सब आगे हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। यहाँ तो समझ में आया लेकिन आपको? अब ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड अग्रीमेंट्स। क्या बोला है? ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स, इलीगल अग्रीमेंट क्या है? वॉइड। इलीगल जो गलत है, वॉइड मतलब भी क्या? जो गलत है। बराबर की नहीं? तो सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं, वो क्या होते हैं? वॉइड अग्रीमेंट माने जाते हैं। बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर इलीगल अग्रीमेंट क्या? नहीं। सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट बनते हैं क्या? नहीं, सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट नहीं बनते। ये भी कहाँ पढ़ोगे आप लोग? यूनिट नंबर 3 में पढ़ने वाले हो, यूनिट नंबर 3 में इसको अच्छे से पढ़ने वाले हो। यहाँ तक समझ में आया लेकिन आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया है। मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या खरीदने का? ब्राउन शुगर। मतलब ये देखो, मतलब शुगर जैसा शुगर नहीं है, इसको हम ड्रग्स बोलते हैं, ड्रग्स या कोकीन वगैरह जो भी आपको बोलना है बोलो। तो मुझे बताओ, लॉ प्रोहिबिट, लॉ हमको परमिट करता है ब्राउन शुगर में डील करने के लिए, कोकीन में डील करने के लिए? नहीं, लॉ परमिट नहीं करता, लेकिन फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बताओ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? क्या बोलेंगे इसको फिर? कल को मानो ये एक्स मैं हूँ और ये वाई आप हो, मानो ये एक्स मैं हूँ और ये वाई आप हो, आपने मुझे बोला कि आप मुझे ब्राउन शुगर ला के दो, मैं उसके बदले में आपको 50 लाख रुपीज ला के दूंगा। मैंने आपको ब्राउन शुगर दे दिया, कहाँ से ला के दिया वो मेरा लुकआउट है, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। आपने मुझे पैसे नहीं दिए, क्या मैं आपके अगेंस्ट में केस कर पाऊंगी? नहीं, ये क्या है? नॉट एनफोर्सेबल है, कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं करता, तो मैं आपसे पैसे रिकवर नहीं कर सकती। बस अभी के लिए इतना समझ के रखो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? और लास्ट में है, लास्ट टाइप जो बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी है, उसमें है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। बताओ एनफोर्सिएबल मतलब जिसको हम एनफोर्स कर सकते हैं, कोर्ट एनफोर्स कर सकता है। अनएनफोर्सिएबल मतलब जिसको एनफोर्स आप नहीं कर सकते हो। वो क्यों हो सकता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट? टेक्निकल एरर की वजह से, आपने कुछ मिस्टेक वगैरह कर दी कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टीज के नाम गलत लिख दिए तो हो सकता है। दूसरा, एब्सेंस इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए था लेकिन आपने राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, तो एनफोर्स कैसे कर सकते हो आप? एनफोर्सेबल नहीं। और तीसरा, बार्ड बाय
लिमिटेशन, बार्ड बाय लिमिटेशन मतलब हमारे पास एक जिंदगी में लिमिटेशन लिमिटेशन एक्ट है जो बहुत सारे एक्टिविटीज को ट्रांजैक्शंस को लिमिट करता है कि इतने टाइम पीरियड तक कि आप उसको एनफोर्स कर सकते हो, उसके बाद एनफोर्स नहीं कर सकते हो। तो लिमिटेशन एक्ट का एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है डेटर्स को लेके। अगर मेरी बैलेंस शीट है, मेरी बैलेंस शीट में डेटर्स है 1,00,000 रुपए का, तो लिमिटेशन एक्ट बोलता है ये 1,00,000 रुपया आप अगले 3 साल तक रिकवर कर सकते हो, अगले 3 साल तक रिकवर कर सकते हो। तो मेरा जो डेटर है मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो मेरे पास 3 साल का टाइम है उसके ऊपर केस करने का, एनफोर्स करने का। मैंने नहीं एनफोर्स किया, 5th ईयर में मेरे को याद है कि मेरे को किसी एक पर्सन से 1,00,000 रुपया लेना था, मैंने लिया नहीं। अब मैं 5th ईयर में कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट में केस कर रही हूँ। बोलो कोर्ट एंटरटेन करेगा इसको? नहीं। क्या हो गया है? बार्ड हो चुका है। बार्ड हो चुका है किसके थ्रू? लिमिटेशन एक्ट के थ्रू। लिमिटेशन एक्ट बोलता है आप किसी भी डेटर से 3 साल तक ही पैसे रिकवर कर सकते हो, 4th ईयर ऑनवर्ड्स आप उससे पैसे रिकवर नहीं कर सकते हो। आप आ रहे हो 5वें ईयर में, धन्यवाद कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप उससे पैसे रिकवर नहीं कर सकते हो, जाओ इधर से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अनएनफोर्सेबल, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन एनफोर्स नहीं कर पा रहे क्योंकि या तो टेक्निकल एरर है उसमें, या तो राइटिंग में होना चाहिए था नहीं है, या तो लिमिटेशन एक्ट ने उसको क्या कर दिया है, बार्ड कर दिया कि आप अब आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी। कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पढ़े उसमें हमने? 5। पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। गुड, थैंक यू।